नमस्ते, रीता पकवान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सहजन के फूल के रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सहजन के फूल को बहुत सहजन को बहुत ज़्यादा सजना ही बोला जाता है, मुल्ला बोला जाता है, मड़िंगा कई नाम से ही प्रचलित है, और इसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी बोला जाता है। ड्रमस्टिक में जो फेमस जो फूल लगते हैं उसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये सब्जी को बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के फूल की भी सब्जी बनती है, आश्चर्य कर जाते हैं, लेकिन इस फूल की सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट बनती है। भाई पौष्टिक तत्वों से एकदम पूरा भरपूर है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर सब्जी, जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल सब पाए जाते हैं। और मेरे अनुरोध है कि आप लोग सीजन में ज़रूर से इस फूल की सब्जी को बना कर खाएं। चलिए मैं बनाना शुरू करूँ। सहजन के फूल की सब्जी बनाने के लिए देखिए मैंने 250 सहजन के फूल ली हूँ। इसके जो डंठल होते हैं वो डंठल को सब निकाल देना पड़ता, और थोड़े बहुत हरा इसको ग्रीन ग्रीन कलर के रहते वो, और थोड़ा बहुत कचड़ रहता है वो सब निकाल देना। निकाल के मैं इसको देखिए 5 मिनट बॉयल पानी में डाल के बॉयल की हूँ, नमक डाल के, उससे है कि इसका स्मेल दूर हो जाता है। बॉयल करके देखिए मैं स्टैंडर में इसको छान दी हूँ, अच्छी तरह से इसका पानी मैं निकाल दी हूँ। 4 आलू ली हूँ, 4 आलू के छोटे छोटे पीसेस में काटी, और छौंक के लिए देखिए लहसुन कम से कम 15-20 कलियाँ लेना है। इसमें जितना ज़्यादा क्वान्टिटी में लहसुन दीजिएगा उतना टेस्टी सब्जी बना। 1 इंच अदरक मैं ग्रेट करके रखी हूँ, 2 तेज़पत्ता के छौंक लगाऊंगी, 2 हरी मिर्च मैं काट के ली हूँ, और बाकी मसाले पाउडर सब है, तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, नमक, ये सब चीज़ों से मैं ये सब्जी बनाऊंगी। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। इसमें देखिए कढ़ाई में 4-5 चम्मच सरसों तेल डाली हूँ। ये सब्जी सरसों तेल में ही अच्छी लगती है, और इसमें तेल थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में पड़ेगा तभी ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। तेल गरम हो गया, हमें सबसे पहले तेज़पत्ता डालें। तेज़पत्ता डालने के बस 1-2 चम्मच उसको चला दीजिए। इसके बाद मैं कटे हुए जो चॉप किए हुए लहसुन थी उसके मैं डाल ली हूँ। लहसुन थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में डालना, और लहसुन को थोड़ी ज़्यादा करके भूनना अच्छी तरह से। लहसुन के बाद जो अदरक मैं चॉप करके रखी थी अदरक मैं डाल दी, उसके बाद हरी मिर्च ये डाल के थोड़ा भूनना। इसके बाद देखिए कटे हुए आलू मैं छोटे छोटे पीस में काट के रखी थी वो मैं डाल दूँगी, डाल करके इसको अच्छी तरह से भूनना है। आलू को अच्छी तरह से 5 मिनट के करीब इसको भूनना है। उसके बाद मैं देखिए हल्दी 1 चम्मच डाल रही हूँ, हल्दी डाल के भी थोड़ा सा उसको चलाना। इसके बाद देखिए स्टैंडर में जो छान करके मैं सहजन के फूल को रखी थी अभी धीरे धीरे को अच्छी तरह से निचोड़ करके उसको डाल रही हूँ। अब बहुत इजी प्रोसेस से मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ बहुत कम सामानों से। ज़्यादातर लोग इसमें प्याज टमाटर ये सब बहुत सारे डाल करके फिर इसको पीस करके ग्राइंड करके देते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल और बहुत कम सामानों से सब्ज़ी बनाती हूँ। सहजन फूल की सब्ज़ी समझिए साल में सीजन में ही 1-2 बार ही खा सकती हूँ, बहुत कम ये होता है, और ये इसमें बहुत जल्दी इसमें फली लगने लग जाता है, फिर सहजन का फूल की सब्ज़ी नहीं बनती। और मैं कहूँगी इस सब्ज़ी को अवश्य खाएँ, जरूर से इसमें बहुत फायदा। कहा ही जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर सब्जी, बहुत ताकत है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फूल की भी सब्जी बनती है। फूल को अच्छी तरह से देखिए भुनना देर तक कि उसका स्मेल जो रहता है उसका निकल जाता है, और जब अच्छा से नहीं भूनिएगा तो हरापन उसका कच्चापन रह जाएगा तो सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। इसके बाद नमक मैं 1 चम्मच डाल दी हूँ, नमक अपना स्वाद अनुसार डालना है, जैसा आप खाती उस तरह से नमक डालिएगा। अच्छी तरह से देखिए इसको भूनना एकदम लाल करके, अच्छा जब लाल करके भूनिएगा तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती खाने में। और देखिए तीखे लाल मिर्च में 1/2 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि हरी मिर्च डाल चुकी हूँ मैं, और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे इसका कलर लाल होगा और देखने में अच्छा लगेगा। 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ ना, 1/2 चम्मच देखिए मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। अब मैं इसे पानी डाल रही हूँ, इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रहती, एकदम सूखे सूखे लटपट टाइप की सब्ज़ी बनेगी, एकदम कम ग्रेवी वाली सब्ज़ी, गाढ़ा गाढ़ा बस डाल करके 5 मिनट इसको ढक करके मैं चढ़ा दूँगी। अब देखिए ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ, अब एकदम सब्ज़ी को एकदम सूखी गाढ़ी एकदम हो गई है बिल्कुल, अभी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में थोड़ा सा गर्म मसाला डालना, डाल करके फिर थोड़ा सा मैं ढक्कन में ढाल दूँगी। गरम मसाला डालने के बाद गरम मसाला डाल करके तो ढक देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है,
जब भी डालिएगा सब्जी में, उतारने के पहले गरम मसाला डाल के इसको ढक्कन थोड़ा ढाँक दीजिएगा, बस सब्जी बन के देखिए रेडी है। देखिए सहजन फूल और आलू की सब्जी एकदम बन के रेडी है, और देखिए कितनी अच्छी और कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। बहुत ईजी प्रोसेस से मैं बनाई हूँ, आशा करते हुए आप लोग भी घर में अपना बना कर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत गुणों से भरपूर प्रचुर मात्रा में है इसमें, और बहुत अच्छा भी टेस्ट भी लगता है। ज़रूर से बना के रिक्वेस्ट करती हूँ, बना के खाइएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। उसमें धन्यवाद।